और वहीं बड़ौदा से बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने अपने चुनावी प्रचार का आगाज प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ शुरू कर दिया। पहलवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि बीजेपी ने दोबारा मौका दिया, मेरा राजनीति का अनुभव नहीं है लेकिन मकसद बड़ौदा की समस्याओं को दूर करना है। तो वही योगेश्वर के साथ मौजूद जेपी दलाल ने कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया। देखिए रिपोर्ट। बड़ौदा से बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने अपने चुनावी प्रचार का आगाज प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ कर दिया है। पहलवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी ने दोबारा मौका दिया है, मेरा राजनीतिक अनुभव नहीं है लेकिन मकसद बड़ौदा की समस्याओं को दूर करना है। योगेश्वर दत्त ने अपने खेल से लोगों की भावनाओं को जोड़ते हुए कहा कि जिस तरह से विदेशों से देश के लिए मेडल लाया हूं, उसी तरह मैं बड़ौदा में सेवा करूंगा। मेरा मानना है कि मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है और हर चीज की काट मेहनत है। पिछली बार मेरे को विश्वास था पार्टी टिकट दी थी, मैंने कुश्ती में मेहनत की थी, उसकी मेरे को टिकट मिली। इस बार एक साल तो मैंने मेहनत करी है हल्के में। मैं तो और आप सब पता ही है कि कोरोना टाइम तो मैं हर गांव में गया हूँ, जो भी मेरे से मैंने वो चीज देखी है और उसी को देखते हुए इस बार टिकट मेरे को पार्टी ने दी है। योगेश्वर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देशवासियों ने सिर आंखों पर बैठाया है, बड़ौदा ने भी मुझे खूब प्यार दिया है, मेरे ऊपर ना कोई आरोप है, मैं गरीब के घर से खेल और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का मकसद लेकर सियासत में आया हूँ। योगेश्वर दत्त ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मुझे राजनेता से ज्यादा खिलाड़ी के तौर पर देखें, बड़ौदा की जनता बेटे के तौर पर देखे, मिलकर कमियों को दूर करेंगे। मैंने बताया कि भाई मैं खिलाड़ी हूँ, ये जो चीजें हैं ये मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, ये हटाई है क्यों हटाई है मेरे को तो भी। हाँ मैं एक बात कह सकता हूँ, खिलाड़ी के लिए हमेशा साथ खड़ा रहूंगा, उनकी आवाज बढ़ के चाहे मैं कहीं भी हूँ, क्योंकि मैं खिलाड़ी, मेरे को पता है खिलाड़ी कितनी मुश्किल से बनता है। बस एक मैं वादा कर सकता हूँ कि मैं हर कमजोर के साथ, हर खिलाड़ी के साथ, कोई भी परेशान होगा तो उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। वहीं योगेश्वर के साथ मंच पर मौजूद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हल्के के विकास को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास के कामों के टेंडर हो चुके हैं, सारे काम मंजूर हो चुके हैं, कांग्रेस जनता से 54 साल तक क्षेत्र की उपेक्षा के लिए माफी मांगे। जेपी दलाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस क्षेत्रवाद की राजनीति करती आई है लेकिन बीजेपी ने हल्के की सूद ली और कई काम कराए हैं। हमारे विपक्षी जो है इलाकावाद, गोत्रवाद, जातिवाद, भावनाएं भड़का के बांट के राजनीति करना चाहते हैं, हम सबको एक करके राजनीति करना चाहते हैं। और मैं एक चीज बताते हुए पद को सबको बताना चाहता हूँ, भाई योगेश्वर तिरंगे की शान है, तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी है, किसी एक वर्ग के लिए, एक प्रदेश के लिए नहीं। जहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा का मान सम्मान इन्होंने दिलवाया है और इतने अगर सुख सुविधाएं नहीं होती तो आज एसपी होते। इनके अंदर एक भावना है कि मैं जिस भावना से मेडल लेने के लिए देश के लिए लड़ा, इसलिए इनके अंदर एक भावना है कि मैं इसी तरह से मेरा इलाका थोड़ा सा उपेक्षित है, पिछड़ा है, इसको आगे बढ़ाऊं और मैं इसको साधुवाद देता हूं। जेपी दलाल यहां पर कांग्रेस पर हमला बोलने तक ही नहीं रुके, उन्होंने वोटिंग से पहले ही योगेश्वर दत्त को जीत की अग्रिम बधाई दे दी। जेपी दलाल ने कहा कि मैं गली गली घूमा हूं, कांग्रेस की चौधर झूठी है, यहां से बीजेपी ही फतह करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।